हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज। और यार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है रिलेटेड टू डीएमएस। अगर आप एमबीए फ्रॉम आईआईटी दिल्ली बेसिकली आप एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीटली जरूर देखना, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम फॉर्म्स इसके आ चुके हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन प्लीज ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज इसके अंदर आपको मिलने वाली है। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसी के अलावा प्लीज यार हमारा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कर देना, बिकॉज इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट डालते हैं। और अगर आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहां जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स पेनड्राइव कोर्स की मिल जाएगी। यहीं पे आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो एंड विद इन 3 to 4 days ये आपके घर पे कोरियर सर्विस के थ्रू डिलीवर करवा दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं आईआईटी दिल्ली की, सो आई डोंट थिंक सो इस कॉलेज को या इस इंस्टीट्यूशन को किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये अपने आप में ही इतना फेमस है कि इसको सभी जानते हैं और सभी इसके एस्पिरेंट भी होते हैं जो एमबीए परस्यू करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, इनका एमबीए जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और भी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट से जाके ले सकते हो। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ऑल दो हर कॉलेज की 50% होती है, लेकिन अगर आप आईआईटी दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो या करना चाहते हो तो 60% मार्क्स, या फिर अगर आपके सीजीपीए आती है तो 6.75% सीजीपीए आपकी होनी चाहिए, 55% इन केस ऑफ एससी एसटी स्टूडेंट्स। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और कैट का स्कोर को ये कंसिडर करता है। तो फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली के अंदर कोई ऐसा राइडर नहीं है कि आपको बीई या बीटेक स्ट्रीम से ही होना पड़ेगा तो ही आप एलिजिबल हो। हर स्ट्रीम का बच्चा यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल है। एडमिशन प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर। वो कैट स्कोर क्या होता है मैं आपको अभी आके बताऊंगा। उनको सेकंड राउंड में बुलाते हैं बेसिकली, दैट इज वैट एंड पर्सनल इंटरव्यू, और फिर उसके बाद फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर निकाल के फाइनल सिलेक्शन होती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आईआईटी दिल्ली का बेसिकली फॉर्म भरना है, ठीक है, तो ये बेसिकली लिंक है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, यहां पे जाके आप बेसिकली फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आप याद रखना, एक कॉमन एप्लीकेशन है इन सारे आईआईटीज की, यानी कि आईआईटी दिल्ली की, आईआईटी धनबाद की, आईआईटी मद्रास की और आईआईटी रुड़की की। तो यानी कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन भर के चार आईआईटीज के एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन आपको चारों की एप्लीकेशन फीस अलग 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 भरनी पड़ेगी। वो कैसे अभी मैं आपको आगे बताता हूं। आपको बेसिकली इस वेबसाइट पे जाके न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फीस क्या है? अगर आप सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको देने 1600 रुपीज, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप धनबाद के अंदर और रुड़की के अंदर, इसके अलावा जो मद्रास, अगर इन सबके अंदर भी अप्लाई करना चाहते हो तो हर कॉलेज के आपको 1600 रुपीज और देने पड़ेंगे। तो यानी कि आपको इनके अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग एप्लीकेशंस भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही एप्लीकेशन से आप आईआईटी दिल्ली, धनबाद, रुड़की और मद्रास इन सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे, प्रोवाइडेड आपको हर एक के लिए इंडिविजुअल फीस पे करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है फ्रेंड्स? 31 जनवरी 2020 लास्ट डेट है, ठीक है। वैट और पर्सनल इंटरव्यूज के लास्ट वीक ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर होंगे, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स 30 अप्रैल 2020 टेंटेटिवली ये बेसिकली निकाल देंगे। इसका फ्रेंड्स फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ क्या है? फ्रेंड्स, इसकी जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज समवेयर अराउंड 10 लाख, सब्जेक्ट टू रिविजन। अगर 2020 के अंदर ही अपनी फीस बढ़ा देते हैं तो ये भी हो सकता है ये 10 to 12 lakhs आप इसको लेके चलो, जो इसके आसपास की अप्रोक्सीमेटली फीस रहने वाली है। और कट ऑफ क्या है फ्रेंड्स इसकी? बेसिकली कैट की जो कट ऑफ मांगता है दैट इज समवेयर अराउंड 97 परसेंटाइल। तो अगर आपकी 97 के अराउंड या उससे भी थोड़ी प्लस या 97 के अराउंड आई है परसेंटाइल, तो आप आईआईटी दिल्ली के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बेसिकली आपको एक बार बता दूं कि इसका बैच का प्रोफाइल क्या रहता है, ठीक है। टोटल 111 बच्चे थे आईआईटी दिल्ली के बैच में एमबीए के अंदर। एवरेज वर्क एक्स 28 मंथ्स का था। जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो समवेयर अराउंड 1:3 का था, ठीक है, समवेयर अराउंड। उसके बाद फ्रेशर्स का जो एक्सपीरियंस था, 29% बच्चे फ्रेशर्स थे और 71% बच्चे एक्सपीरियंस थे, ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर्स थे। और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है फ्रेंड्स?
111 बच्चों को 128 ऑफर्स मिले हैं, 100% प्लेसमेंट हुई हैं, 24% इंक्रीज हो गया बैच साइज, पहले से बढ़ गया इनका, ठीक है 24%। जो एवरेज सीटीसी है दैट इज समवेयर अराउंड 18.47 लाख रुपीज, जो टॉप 25% बच्चों को ऑफर हुआ था दैट वाज समवेयर अराउंड 21.73 लाख रुपीज, हाईएस्ट सीटीसी वाज 32 लाख, और जो एवरेज सीटीसी टॉप 50% बच्चों को भी हुआ था दैट वाज समवेयर अराउंड 19.28 लाख रुपीज। तो यानी कि अमेजिंग प्लेसमेंट्स है एंड अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो 10 to 12 लाख रुपीज देके, ठीक है, जो आपकी एवरेज लग रही है दैट इज समवेयर अराउंड 18 to 19 की लग रही है, और उसी के साथ आपको जो ब्रांड नेम मिल रहा है वो एक बहुत ही ह्यूज ब्रांड नेम आईआईटी दिल्ली का ब्रांड नेम आपको बेसिकली मिलेगा, जो एक बहुत ही ह्यूज ब्रांड नेम जिसको माना जाता है। सो अगर आपकी 97% के आसपास कैट के अंदर आई है तो आप आईआईटी दिल्ली के अंदर श्योरली अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आईआईटी दिल्ली का प्रोसीजर। मैं फ्यूचर में और भी कॉलेजेस के बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ कि आप जिस कॉलेज के बारे में चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर देना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स परचेज करना है तो हमारी ये वेबसाइट है। इसी के अलावा आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।